दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल की कंप्लीट एनालिसिस। तो दोस्तों सबसे पहले हम टाइटल का मतलब समझते हैं, क्या लिखा है दोस्तों, फ्यूल टू दी फायर। अब दोस्तों फ्यूल टू दी फायर जो होता है वो इंग्लिश में एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है टू वर्सन अ ऑलरेडी बैड सिचुएशन, मतलब कि एक सिचुएशन जो जो कि पहले से ही इतनी ज़्यादा ख़राब थी उसको और ज़्यादा ख़राब कर देना, मतलब कि एक बैड सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स कर देना, इसका सिंपल सा मतलब होता है फ्यूल टू दी फायर का। ठीक है, सब हेडिंग क्या लिखी है दोस्तों, लिज ट्रेस सीम्स टू हैव गटेड टोरी फॉर्च्यून्स विद अ रॉन्ग प्रायोरिटीज। अब दोस्तों गटेड मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, फॉर्च्यून्स मतलब होता है किस्मत। ठीक है, अब दोस्तों इस टॉपिक में, इस एडिटोरियल में बात हो रही है यूके की, मतलब यूनाइटेड किंगडम की, और उनकी नई प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस की। ठीक है, आपको पता होगा कि अभी अभी बोरिस जॉनसन को रिप्लेस करके लिज ट्रस जो थी वो यूके की न्यू प्राइम मिनिस्टर बन गई। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है दोस्तों, ऐसा लगता है कि लिज ट्रस की जो ख़राब प्रायोरिटीज़ हैं, ख़राब प्राथमिकताओं की वजह से जो दोस्तों वहाँ टोरी के फॉर्च्यून्स हैं, टोरी कौन होते हैं दोस्तों, वहाँ के जो कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स होते हैं, यूके की एक पार्टी है जिसका नाम है कंजर्वेटिव पार्टी, उनके जो मेंबर्स होते हैं, उनके जो वोटर्स होते हैं, उनको हम लोग टोरी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि लिज ट्रस की ख़राब प्राथमिकताओं की वजह से जो टोरी के फॉर्च्यून्स हैं, उनकी जो किस्मत है वो डिस्ट्रॉय होती जा रही है, मतलब ख़राब होती जा रही है। ठीक, अंदर चलते हैं, क्या लिखा है, द यूनाइटेड किंगडम इज़ फास्ट बिकमिंग अ कॉजनरी टेल। अब दोस्तों कॉजनरी टेल जो होता है वो भी एक फ्रेज होता है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है अ स्टोरी विच कैन बी टेकन एज अ वार्निंग, मतलब कि एक ऐसी स्टोरी जिसको दूसरे लोग एज अ वार्निंग इस्तेमाल करते हैं, वार्निंग। ठीक है, मतलब जैसे मान लेते हैं कि श्रीलंका है, श्रीलंका तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, इसमें अभी क्या आया था दोस्तों, इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया था, इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से इसको एज अ लोग सीख ले रहे थे, मतलब दूसरे कंट्रीज़ जो हैं उसको इसकी सिचुएशन को ऐसा सीख ले रहे थे कि हमको ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ से बचना चाहिए ताकि हमारे देश में इकोनॉमिक स्लोडाउन नहीं आ सके। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम बोला जा रहा है कि दोस्तों वो भी उसी पाथ में आगे बढ़ रहा है, वो भी एक कॉजनरी टेल बनने की राह पे आगे चल रहा है, और लोग उससे क्या सीख लेंगे, कैसे एक बैड पॉलिटिक्स जो है वो किसी भी इकोनॉमी को बर्बाद करके रख सकती है। ठीक है, मतलब ख़राब पॉलिटिक्स किसी भी इकोनॉमिक्स को बर्बाद कर सकती है। ठीक, प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस वॉज वन सीन एज अ न्यू होप फॉर ब्रीथिंग लाइफ बैक इन टू दी सिंकिंग फॉर्च्यून्स ऑफ द यूके कंजर्वेटिव पार्टी। अब दोस्तों बोला जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो लिज ट्रस हैं, उनको एक समय में देखा जा रहा था कि दोस्तों जो यूके की कंजर्वेटिव पार्टी की जो डूबती हुई किस्मत है उसको दोबारा एक नया होप देंगी, नया एक नई एक आयाम देंगी, नया एक एक नई पाथ देंगी। ठीक है, लेकिन आफ्टर इट्स प्रीवियस लीडर बोरिस जॉनसन स्क्वांडर्ड द गुड विल ऑफ सक्सेस। अब दोस्तों गुडविल मतलब हम हिंदी में कहते हैं सद्भावना, अच्छी भावना को हम लोग गुडविल कहते हैं। स्क्वांडर्ड मतलब होता है अभी भी डिस्ट्रॉय करना, और सक्सेस तो हम कह सकते हैं कामयाबी। तो दोस्तों हुआ क्या था कि दोस्तों जो बोरिस जॉनसन थे वो भी दोस्तों कंजर्वेटिव पार्टी से ही बिलोंग करते थे, जिससे कि लिज ट्रस जो है वो इस समय प्राइम मिनिस्टर बनी है। तो बोरिस जॉनसन ने कुछ ऐसे पॉलिसीज़ ली थी, कोविड-19 वैक्सीन प्रोग्राम उनका इतना ख़राब था जिसके वजह से दोस्तों पूरी डाउनिंग स्ट्रीट को एम्बैरेस होना पड़ा था, मतलब एम्बैरेस मतलब होता है शर्मिंदा होना पड़ा था। ठीक है, उनके ख़राब कोविड-19 वैक्सीन प्रोग्राम की वजह से पूरी डाउनिंग स्ट्रीट को एम्बैरेस मतलब शर्मिंदा होना पड़ा था। ठीक है, क्या लिखा है दोस्तों, क्या पढ़ते हैं मैं फिर से, कंजर्वेटिव पार्टी आफ्टर इट्स प्रीवियस लीडर बोरिस जॉनसन स्क्वांडर्ड द गुड विल ऑफ सक्सेस। उन्होंने जो लोग उनसे अच्छी भावना का एक एक तरीके से एक होप लगा के बैठे थे कि बोरिस जॉनसन जो हैं वो बहुत अच्छे कदम उठाएंगे, उन्होंने उस सभी भावनाओं को एक तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख दिया था जब उन्होंने कोविड-19 वैक्सीन प्रोग्राम का लॉन्च किया था, और जिससे कि पूरे डाउनिंग स्ट्रीट को शर्मिंदा महसूस करना पड़ा था। ठीक है, विद दी पार्टी ग्रेट स्कैंडल। और दोस्तों आपको पता ना हो तो कंजर्वेटिव पार्टी हमेशा से ही स्कैंडल के आरोप उसमें लगते रहे, मतलब कि इसकी एक ऐसी इमेज ही बनी है कि इसमें बहुत सारे स्कैंडल्स होते हैं, इस पार्टी में बहुत सारे धांधले होते हैं, बहुत सारे कांड होते हैं। ठीक है, नाउ मिस ट्रस इज
इन हर पार्टी मेंबर्स क्रॉस हेयर्स आफ्टर फॉस्टिंग अ डिजास्टर सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी प्रपोजल्स ऑन द कंट्री। फॉस्टिंग मतलब होता है किसी चीज़ को फोर्सफुली इंप्लीमेंट करना, ठीक है। डिजास्टर सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब कि मिस ट्रस ने अभी अभी एक नंबर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी प्रपोजल्स दिए हैं कंट्री के सामने, जो कि बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स प्रूव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रूव हो सकते हैं पूरी कंट्री के लिए। इसके वजह से दोस्तों मिस ट्रस जो है वापस से अपने पार्टी मेंबर के क्रॉस हेयर्स में आ चुके हैं। क्रॉस हेयर्स में आना मतलब होता है वापस से उनकी पैनी नज़र में आना, मतलब कि वापस से किसी के स्क्रूटनी के अंदर आना, ठीक है। वापस से उनके ऊपर पैनी नज़र रखी जा रही है मिस ट्रस के ऊपर। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने बहुत ख़राब सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी प्रपोजल्स लाए हैं कंट्री के अंदर, विच वॉज ऑलरेडी सल्टरिंग अंडर द वेट ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट। अब दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है कि यूके जो था वो पहले से ही अपने ग्लोबल डेवलपमेंट और एनर्जी की प्राइजेस वगैरह, इन्फ्लेशन वगैरह इस वजह से पहले से ही थरथरा रहा था। सडरिंग मतलब होता है कपकपाना, ठीक है, हिंदी में कपकपाना कहते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई की वजह से उसकी सिचुएशन पहले से ही बहुत ख़राब थी, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर्थिक गतिविधियों की वजह से पहले से उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। और दोस्तों यहाँ पे जो ट्रस्ट के द्वारा नई इकोनॉमिक पॉलिसी से कुछ नए प्रपोजल्स लाए गए हैं उसके वजह से और ज़्यादा कंडीशन जो थी वो वर्स हो गई, मतलब ये एज अ फ्यूल टू द फायर एड हो गया है, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप्स यू टर्न्स एंड अ लैक ऑफ कोहेरेंट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। अब दोस्तों फ्लिप फ्लॉप और यू टर्न्स मतलब होता है मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर वे में नहीं जा रहा है कोई चीज़, मतलब कि उबड़ खाबड़ या फिर अप डाउन होता रहता है, मतलब कि वहाँ पे यूके में कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को नहीं अपनाया जा रहा है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में अबाइड होकर उन लोग नहीं चल रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं बना रहे, बल्कि बार बार स्ट्रेटजी को बदलते रहते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में सवाल खड़े हो रहे हैं, ठीक है। एंड ग्रोथ हैव मेयर्ड वॉट लिटिल मेरिट देयर माइट हैव बीन एडवोकेसी ऑफ पॉलिसी टू ट्रांसफॉर्म द यूके इंटू अ हाई ग्रोथ एंड लो कॉस्ट इकनॉमी। मतलब कि यूके को एक हाई ग्रोथ, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली और लो कॉस्ट इकनॉमी बनाने में जो लिज ट्रस्ट ने थोड़े बहुत भी पहले योगदान दिए होंगे, उनको एडवोकेसी मतलब थोड़ा बहुत पब्लिक सपोर्ट मिला होगा, वो सभी जो है इससे काउंटर बैलेंस हो गए, इनकी नई पॉलिसी से काउंटर बैलेंस हो गई, ये कहा जा रहा है, ठीक है। द क्वेश्चनेबल डॉक्ट्रिनेर आइडियाज़ एट द हार्ट ऑफ ट्रस्ट गवर्नमेंट्स मिस स्टेप्स। अब दोस्तों डॉक्ट्रिनेर मतलब होता है रिजिड स्टेप्स, मतलब ये जो फोर्सफुल स्टेप्स लिए गए हैं मिस ट्रस्ट के द्वारा उससे जो बहुत सारे क्वेश्चंस पैदा हो रहे हैं, ठीक है। विच इज़ इन इट्स वॉस्ट मोमेंट रिक्वायर्ड द बैंक ऑफ इंग्लैंड टू स्टेप इन विद इट्स 65 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग इमरजेंसी बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम टू स्टेबलाइज गिल्ड्स। अब दोस्तों होगा क्या कि इन्होंने जो भी पॉलिसीज़ लाए हैं यूके के अंदर लिज ट्रस्ट ने, जो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, उसकी वजह से वॉर सिचुएशन में क्या हो सकता है दोस्तों, जो वहाँ की बैंक ऑफ इंग्लैंड है, मतलब जैसे कि हमारे देश की सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, उसी तरीके से दोस्तों जो यूके की सेंट्रल बैंक है वो है बैंक ऑफ इंग्लैंड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है BOE। तो दोस्तों हो सकता है कि अगर वॉर सिचुएशन देखने को मिलती है तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को 65 बिलियन पाउंड का इमरजेंसी बॉन्ड खरीदना पड़े। मतलब अब दोस्तों पाउंड जो है वो वहाँ की ऑफिशियल करेंसी है, और एक पाउंड लगभग दोस्तों 1.2 डॉलर के इक्वल के आसपास होती है, मतलब एक पाउंड के बदले में हमें 1.2 डॉलर्स मिलते हैं, ठीक है। तो वहाँ की जो ऑलरेडी वॉर सिचुएशन थी उसके वजह से दोस्तों बैंक ऑफ इंग्लैंड को हो सकता है कि इमरजेंसी बॉन्ड रिलीज़ करना पड़े, ठीक है। एंड द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग स्टेम फ्रॉम अवर कैंपेन प्रॉमिस टू कट टैक्सेस एक्सटेंसिवली। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि उन्होंने कैंपेन मतलब उन्होंने प्रपोजल लाया टैक्सेस कट करने के लिए, वहाँ के जो लोग थे उनसे वो टैक्स कम लेंगे, जिसकी वजह से वो सोच रहे थे, जो इनकी पार्टी की सोच थी वो ये थी कि अगर हम टैक्स कम लेंगे तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा रहेगा स्पेंड करने के लिए, हम जब ज़्यादा पैसा रहेगा तो दोस्तों जो हमारी इकोनॉमी है वो ऑलरेडी बूम कर जाएगी, मतलब अच्छी हो जाएगी। वेल मोस्ट टॉरीज वुड इन प्रिंसिपल बी हैप्पी विद दी प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशन मतलब होता है दोस्तों इस प्रस्ताव से, प्रपोजिशन हम प्रस्ताव को कहते हैं। दोस्तों ज़्यादातर टोरीज, ज़्यादातर इस पार्टी के समर्थक, ज़्यादातर कंजर्वेटिव पार्टी के समर्थक टोरीज जो थे मतलब जो होंगे वो इस प्रिंसिपल, इस प्रस्ताव से खुश होंगे, ठीक है। वॉट हैज़ बी फडल्ड, बी फडल्ड मतलब होता है दोस्तों सरप्राइज करना किसी चीज़ को, मतलब चौंका देना। तो उनको सरप्राइज़ क्या लग रहा है, मतलब जो मैक्रो इकोनॉमिस्ट हैं, जो वहाँ के अर्थशास्त्री लोग हैं, उनको क्या चीज़ सरप्राइजिंग लग रही है, इज़ दैट इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग अपर एनर्जी प्राइस गारंटी स्कीम,
कि भैया लिज ट्रस को अपनी एनर्जी प्राइस गारंटी स्कीम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, क्योंकि इस समय एनर्जी की प्राइस जो है बहुत ज़्यादा हाई होती जा रही है, बहुत ज़्यादा महंगाई होती जा रही है, ऑयल्स वगैरह की सप्लाई बहुत ज़्यादा बाधित है रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से। तो उसके वजह से उनको फोकस करना चाहिए था एनर्जी प्राइस गारंटी स्कीम पे, मतलब कि प्राइस की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने पे उनका फोकस होना चाहिए था। अ टाइमली इंटरवेंशन इन द फेस ऑफ राइजिंग गैस प्राइजेस लिंक्ड टू द यूक्रेन इन्वेजन, रशिया का जो यूक्रेन इन्वेजन है उसकी वजह से जो लगातार प्राइजेस जो हैं वो अप एंड डाउन हो रही हैं, तो उसमें लगातार उनको हस्तक्षेप करना चाहिए था, इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप करना चाहिए था। इसके बजाय वो क्या कर रही हैं, मतलब कि बीओई के वजह से विद कंसल्टेशन विद द बीओई ऑन स्टेबलाइजिंग इन्फ्लेशन, मतलब बैंक ऑफ इंग्लैंड के हेल्प से उनको लगातार जहां यूक्रेन के इन्वेजन की वजह से जो प्राइस डिसेबल हो रही है, मतलब प्राइस की डिस स्टेबिलिटी को कंट्रोल करने में कुछ अच्छी पॉलिसीज रहनी चाहिए थी। मिस्ट्रस्ट जम्प्ड हेडलॉन्ग इनटू टैक्स कट मोड, मिस्ट्रस्ट जो है वो डायरेक्टली किस में कूद गई हैं, टैक्स कट करो, लोगों के टैक्स कट करो, ठीक है। तो मिसट्रस्ट जो है वो एक तरीके से रॉन्ग पाथ में जा रही हैं, जो उनको करना चाहिए था एज़ पर करंट सिचुएशन वो नहीं कर पा रही, यहीं पे यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। आगे क्या लिखा है दोस्तों, द कॉस्ट ऑफ ऑल दिस इल टाइम्ड फिजिकल फोरे वॉज सीवियर। अब फिजिकल मतलब होता है दोस्तों वित्तीय संबंधी, फोरे मतलब होता है कोई भी पर्टिकुलर एक तरीके से एक्शन लेना, ठीक है। तो दोस्तों जो इस समय पे वित्तीय संबंधी से रिलेटेड जो इल टाइम्ड मतलब ख़राब समय पे गलत समय पे जो गलत पॉलिसीज़ उठाई जा रही हैं, उससे हमको सीवियर कॉस्ट देखने को मिल सकता है, मतलब भारी मूल्य उसका चुकाना पड़ सकता है पूरे यूके को, ठीक है। द प्रपोजल ऑफ मिस ट्रस एंड अर्स्ट वाइल चांसलर ऑफ द एक्सचेकर। अब दोस्तों जो मिस ट्रस हैं, लिज ट्रस जो हैं, और जो पूर्व अर्स्ट वाइल मतलब होता है पूर्व चांसलर थी एक्सचेकर की, एक्सचेकर क्या होता है दोस्तों, जो नेशनल इनकम को ख्याल रखता है, जो कि पब्लिक मनी डिस्ट्रीब्यूट करता है, नोट से रिलेटेड और मनी से रिलेटेड सभी चीज़ों को ख्याल रखता है, उसको एक्सचेकर कहते हैं यूके में, ठीक है। ये इसकी भी ऑफिस डाउनिंग स्ट्रीट में ही है। तो जो दोस्तों पूर्व एक्सचेकर थी, पूर्व चांसलर थी एक्सचेकर की, क्या नाम है दोस्तों, क्वासी क्वार्टेंग, टू एबॉलिश द 45% टॉप रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो मिस्ट्रस और क्वासी क्वार्टेंग ने मिलकर क्या किया दोस्तों, इनकम टैक्स में 45% टैक्स जो थी उन्होंने कट कर दिया, ठीक है। किसके लिए, इफ़ इनकम ऑफ 1,50,000 pound और हायर, मतलब कि अगर वहाँ पे किसी की भी इनकम 1,50,000 pound से ज़्यादा है तो उसमें 45% टैक्स इन्होंने कट कर दिया है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों हमारे देश में कॉरपोरेट टैक्सेस जो थे वो कम कर दिए गए थे, जो कॉरपोरेट्स थी, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं थी उनके टैक्सेस में कटौती कर दी गई थी, उसी तरीके से मिस्ट्रस और जो वहाँ की पूर्व एक्सचेकर थी, जो पूर्व एक्सचेकर थी क्वासी क्वार्टेंग जो थे, उन्होंने 45% टॉप रेट इनकम टैक्स में कटौती कर दी है, जिसकी भी इनकम वहाँ पे 1,50,000 pound से ज़्यादा है, ठीक है। रेस्ड आईब्रोज, रेस्ड आईब्रोज मतलब होता है दोस्तों, ये भी एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है कि इसने सबको चौंका के रख दिया है, मतलब सबको सरप्राइज कर दिया है, ठीक है। कंबाइंड विद देयर अनफंडेड प्लान टू स्क्रैप एंड इंक्रीज इन कॉरपोरेट टैक्स फ्रॉम 19% टू 25%। अब दोस्तों इसके साथ साथ उन्होंने एक अनफंडेड प्लान, मतलब कि बिना सोचे समझे एक प्लान लाया है कि वो कॉरपोरेट टैक्स को इंक्रीज़ करेंगे 19% से 25% फ्रॉम नेक्स्ट अप्रैल, अगले अप्रैल से, ठीक है। इट वॉज क्लियर दैट, अप्रैल क्या होता है दोस्तों, ये फिस्कल ईयर होता है। अब आपको फाइनेंशियल ईयर पता होगा कब से कब तक चलता है दोस्तों, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक फिस्कल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर चलता है। तो जब 1 अप्रैल अगले साल का आएगा, मतलब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि अगले फाइनेंशियल ईयर से जो कॉरपोरेट टैक्स होंगे वो 19% से बढ़ा के 25% कर दिए जाएंगे, मतलब कि हर डिसीजन जो है इनके कुछ ऐसे हैं जो कि लोग इनका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। इट वॉज क्लियर दैट दीज मेजर्स वुड बर्न 45 बिलियन pound इन गवर्नेंस फाइनेंसेस। अब दोस्तों इससे ये साफ है कि इससे जो गवर्नमेंट की जो खर्चे होते हैं, गवर्नमेंट की जो फाइनेंसेस होते हैं, उनके जो वित्त होते हैं उनके पास, उसमें 45 बिलियन pound का कटौती हो जाएगी। क्यों कटौती हो जाएगी, क्योंकि दोनों दोस्तों इन्होंने टैक्स कट कर दिए हैं, जब टैक्स नहीं कलेक्ट करेंगे तो दोस्तों इनके पास फंड कम आएंगे। मार्केट टर्मोइल हैज सिग्नल द
ट्रू एक्सटेंट ऑफ डिसअप्रूवल ऑफ मिस्ट्रस्ट फॉर्मूलाज। अब दोस्तों इस पूरे पॉलिसीज, इस पूरे प्रपोजल्स के वजह से दोस्तों मार्केट में एक टर्मोइल की सिचुएशन आ चुकी है, मतलब एक कंफ्यूजन की सिचुएशन आ चुकी है। इसके वजह से जो कि साफ तौर पे बता रहा है कि लोग जो है वो मिस्ट्रस्ट के जो ये जो फॉर्मूले हैं, जो इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, इससे डिसअप्रूव करते हैं, मतलब कि इससे सहमत नहीं रहे। ठीक है, यील्ड्स ऑन 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड जम्प्ड फ्रॉम 3.5% टू 4.3%, जिसके वजह से क्या हुआ दोस्तों, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स थे उनकी प्राइस जो थी वो 3.5% से बढ़ के 4.3% हो गई है। देन हेल्ड फर्म एट नियरली 4.05% आफ्टर BOE इंटरवेंशन। दोस्तों जो कि BOE मतलब बैंक ऑफ इंग्लैंड के इंटरवेंशन के बाद 4.05 पे मजबूती से खड़ी हुई थी। ठीक, मीन वाइल दी पाउंड लॉस वैल्यू, और भी इसके साथ ही साथ क्या हो रहा है दोस्तों, जो पाउंड है जो वहाँ की ऑफिशियल करेंसी है उसको भी लगातार वैल्यू गिरती जा रही है। दोस्तों एक समय था जब एक पाउंड जो था वो हम कह सकते हैं कि लगभग $3 के इक्वल के आसपास था। $3 नहीं है तब भी $2.06 के इक्वल था आसपास। ये कब था, 1990s में। उसके बाद से दोस्तों लगातार इसकी वैल्यू जो है वो लगातार गिरती जा रही है पाउंड की। और इस समय एक समय ऐसा आ गया था जब दोस्तों एक पाउंड जो था वो इक्वल था $1.04 के इक्वल। ठीक है, मतलब लगातार इनकी करेंसी की वैल्यू जो है वो डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होती जा रही है, फिर हम कह सकते हैं डॉलर मजबूत हो जा रहे हैं इनकी करेंसी के खिलाफ। ठीक है, तो मीन वाइल द पाउंड लॉस वैल्यू द मॉर्गेज मार्केट मतलब शेयर मार्केट वॉज थ्रोन इन टू कैओस, मतलब कि इसमें कन्फ्यूजन आ गया। एंड द कंट्री इज़ नाउ स्टेयरिंग एट अ बम्पी पाथ। अब कंट्री जो है दोस्तों एक बम्पी पाथ में, बम्पी मतलब होता है दोस्तों जब कोई चीज़ सीधी नहीं होती है उसमें उबड़ खाबड़ रास्ता होता है, मतलब कि इसके सामने जो पाथ है वो दोस्तों उबड़ खाबड़ है इनकी जो पॉलिसीज़ की वजह से, अब ये मतलब सीधे रास्ते पर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, बिफोर इन्फ्लेशन कैन बी टेम्ड। टेम्ड मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करना, मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल करने से पहले दोस्तों ऐसी पॉलिसी की वजह से ये वापस से उबड़ खाबड़ रास्ते में चले गए हैं। ठीक है, फार फ्रॉम बींग द लीडर हु कुड एक्सट्रिकेट द कंजर्वेटिव पार्टी फ्रॉम इट्स सैम्बोलिक स्कैंडल रिडन इमेज। अब दोस्तों अनुमान लगाया जा रहा था, मतलब उम्मीद की जा रही थी कि दोस्तों कंजर्वेटिव पार्टी की जो एक स्कैंडल रिडन इमेज, मतलब हमेशा से ये स्कैंडल इसमें होते रहे हैं, एक तरीके से वो चिन्ह बन गया था इनकी पार्टी का, एक पहचान बन गई थी कंजर्वेटिव पार्टी, मतलब हाँ घोटाले वाली पार्टी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा घोटाले होते हैं। ठीक है, तो अनुमान लगाया जा रहा था, उम्मीद की जा रही थी कि दोस्तों जो लिज ट्रस होंगी हमको इस छवि से, जो पार्टी की इस छवि बनी हुई है उससे बाहर निकाल के रख देंगी, लेकिन दोस्तों ये तो हुआ ही नहीं, बल्कि मिस्ट्रेस हैज़ लाइकली एडेड द लेबल ऑफ इनकॉम्पिटेंस। जबकि दोस्तों जो उम्मीद करी जा रही थी वो बिल्कुल नहीं हुई, बल्कि मिस्ट्रेस ने और एक लेबल, एक और धब्बा लगा दिया है इस पार्टी के ऊपर, इनकॉम्पिटेंस का मतलब असक्षम होने का, मतलब कोई चीज़ कर ही नहीं पाएगी ये पार्टी। ठीक है, टोरी गवर्नेंस में मतलब इसकी इमेज और ज़्यादा बेकार कर दी एक तरीके से। फॉर हर पुअर परफॉर्मेंस और टाइम ऑन द डाउनिंग स्ट्रीट में ड्रॉट वा क्लोज सूनर देन से एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब उनकी दोस्तों ऐसी अगर पुअर परफॉर्मेंस रही तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो लिज ट्रस ने एक्सपेक्ट किया होगा कि हम इतने समय तक प्रधानमंत्री दे सकेंगे, दोस्तों इस पर एक तरीके से मतलब इस पर कोई हम फिक्स नहीं कह सकते हैं कि अगर ऐसी ख़राब परफॉर्मेंस वो लगातार देती रहीं तो हो सकता है कि उनका भी समय नज़दीक आ गया जब उनको भी डाउनिंग स्ट्रीट की कुर्सी से नीचे उतार दिया जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का एडिटोरियल पसंद आया होगा। आज की एनालिसिस मेरी कैसी लगी इसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF की वोकैबुलरी चाहिए तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है और मेरे अबाउट सेक्शन में भी है। तो थैंक यू दोस्तों।